क्या करें? डॉक्टर शिव को कैसे मनाएं हम? शक्ति, ये क्या हुआ? अरे उबटन लगा के आई है कि होली खेल के आई है? ये तो बहुत ही अच्छा शगुन है अम्मा, उबटन कितना खिल रहा है। आपको पता है ना इसका मतलब क्या है? क्या? कि बहुत जल्दी इसकी शादी होने वाली है। हाथ तो पीले हो ही रहे। आंटी जी नहीं, अभी अभी हमें पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। अभी ये सब सोचने का ना हमारे पास टाइम नहीं है। और आपने देखा ना कि आपके पोते इतनी सी बात पे हमसे कितना नाराज हो गए। हाँ, और अगर आपको कोई ऐसा लड़का मिले तो जो शादी के बाद भी आपको पढ़ने के लिए एनकरेज करे, आपकी डॉक्टर बनने में हेल्प करे, तो क्या करोगी? बताओ बताओ। नंदू, सता मत उसे। अच्छा अभी मैं उबटन देती हूँ, तुम घर जाओ। हाँ, ये उबटन ले जाओ, ये लो घर ले जाना, और तुम्हारा बैग भी। ये ले बेटा। थैंक यू दादी। संभल के जाना। हाँ, हम चलते हैं। जीती रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। बस बस बस, बाय नंदू भैया। ठीक है बेटा, हम जाते हैं। हाँ। रंजन तो जेल में है, तो इस शक्ति को ऐसा क्या मिल गया जिसकी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंटली मुझसे बात करी थी? माम, असली कॉन्फिडेंस तो आजकल रिमझिम में, वो भी इस बात का कि मैं उससे प्यार करता हूँ। किस तरह से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर ना मेरे पास मत आओ, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। माम, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ये मेरी लाइफ का सवाल है। रिमझिम को लगता है कि मैं उससे शादी करने वाला, शिव भैया को लगता है कि मैं रिमझिम से प्यार करता हूँ। मॉम, ये कौन से चक्रव्यूह में फंसा दिया आपने मुझे? कीर्तन, मैं बॉब, प्रॉब्लम्स छोटी नहीं है। वो भैया को 50-50 कॉल्स करती है और अब तो डिमांड्स भी करना शुरू कर दिए। कहती है कि आप हमारे घर रिश्ते लेकर आ सकते हैं। हमारी मम्मी यही चाहती है। सोचे, पता नहीं कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। अब अगर मैं उसे कुछ कहूंगा तो शिव भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तो वो शक्ति के बॉडीगार्ड बने फिरते थे, अब तो उसके पूरे परिवार के बॉडीगार्ड बन गए। ये रिश्ते वाली बात तुमसे रिमझिम ने की? हाँ, मैसेज किया था। देखिए कीर्तन, कभी कभी लगता है ना कि पूर्णेंदु जी ढोंगी है, फिर लगता है कि नहीं, ज्ञान तो है उनमें। शिव शक्ति के साथ लाने की बात करते ही सारे बंद दरवाजा खुल गए। कीर्तन, मंदिरा कश्यप के बच्चे ना भले ही नालायक हो, किसी काम के ना हो, फिर भी है तो मंदिरा कश्यप के बच्चे, है ना? तो अनजाने में ही सही, अपना जलवा तो दिखा ही देते हैं। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या कर दिया है। यू डोंट नो। खुल, मॉम का इतना ज्यादा खुश होने का मतलब है कि बहुत सारे लोग दुखी होने वाले, पर कहीं उन दुखी लोगों में मेरा नाम तो शामिल नहीं है। हाँ, पर हम करने क्या वाले हैं? माँ, शक्ति गई? हाँ, अभी अभी गई है। छोटी, तुझे उसका चेहरा देखना चाहिए था, शर्म से लाल हो रहा था। कमरे में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अम्मा, आप माँ, मुझे तो लगता है यही सही वक्त है शिव से बात करने का। अगर सब कुछ सही सही रहा तो बस कल के कल हम पंडित जी के वहां रिश्ता लेकर जाएंगे। हाँ, नेकी और पूछ पूछ, हमसे तो सब्र नहीं हो रहा है। चल जल्दी बात करते। नहीं माम, मैं सोच रही थी पहले मैं अकेले में बात कर लूँ उससे। मंदिरा ठीक कह रही है, मंदिरा समझदार है और
अपने चाची को और कभी ना कह नहीं सकेगा। हाँ, मैं बात करके आती हूँ। ये मंदिरा भाभी इतनी प्यारी क्यों बन रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। सक्तुरी, ये तो उपटर लेने गई थी या लगाने गई थी डायरेक्ट? ऐसे लग रहा है कि तेरी हल्दी हो गई अभी। नहीं, मतलब ये शुभ संकेत है। इन शॉर्ट, बहुत जल्दी तेरी शादी होने वाली है। चाची जी, सब लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ए, सब लोग मतलब कौन? दादी, पद्मा आंटी, नंदू, हम तो बस डॉक्टर शिव को उपटन लगा रहे थे। वो ऐसे उठे और सारा उपटन गिर गया। ये? तू मतलब डॉक्टर भाई को उपटन लगा रही थी? सक्तुड़ी, मुझे तो लगा कि तू गुड्स ट्रेन है। ले, तू तो वंदे भारत की स्पीड से भाग रही है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लीजिए आपका उपटन, हम जा रहे हैं। ए, खबर नो तो कह दू, आज सिर्फ रूप चतुर्दशी नहीं है, आज तो नर्क चतुर्दशी भी है। पता है? हाँ के ना, पता है कि नहीं? हाँ, पता है चाची जी, और हमें कहानी भी अच्छे से पता है। अरे वाह, चल तो फिर सुना, पता चलेगा कि पंडित चाचा की भतीजी को कितना आता है। चल। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने आज ही नरकासुर का वध किया था, इसे दिवाली के एक दिन पहले हम नर चतुर्दशी मनाते हैं, और औरतें आज अपना रूप भी बांधती है, इसलिए आज के दिन रूप चतुर्दशी भी मनाते। ओहो, तोते की तरह पर 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 सब याद है तुझे। इन शॉर्ट, तू पंडित चाचा की नहीं, पंडिताइन चाची की बेटी है, समझी ना? चल चल चल, दिया जला दे, चल आजा, ये सब तोड़ माचिस लेना। चाची जी, नर चतुर्दशी वाले दिन ये चार बाती वाला दिया क्यों जलाते हैं? एक खबर नो तो कह दूं, नर चतुर्दशी के दिन ना सिर्फ लक्ष्मी माँ के लिए दिया नहीं जलाते, उनके साथ साथ तीन और देवी देवताओं के लिए भी दिया जलाते हैं। देख, कृष्ण भगवान के लिए, काली माँ के लिए और यमदेव के लिए। चल चला, पहला दिया, ये पहला दिया ना कृष्ण भगवान के लिए। अब ये जलाने से हमारा जो प्रेमी होता है ना, हमें और प्यार करने लगता है, और अगर शादी हो गई है तो विवाहित जीवन में जो मुसीबतें हैं सारी टल जाती हैं। सक्तुड़ी, जब मैंने इसे प्रेमी बोला तो तेरे ख्याल में डॉक्टर भाई का नाम आया? नहीं, नाम क्या, डायरेक्ट चेहरा ही आ गया कि नहीं आंख के सामने? है, सच बोल सच बोल। चाची जी, बिल्कुल नहीं। चुट्टी चुट्टी, ये दूसरी बाती है यमदेव के लिए। वो कहते हैं ना, अकाल मृत्यु हरम, तो हमारे पर अगर कोई मृत्यु दोष हो तो ये जलाने से वो टल जाता है और हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। सक्तुड़ी, जब मैंने परिवार कहा तब तुझे हमारे परिवार के साथ साथ वो डॉक्टर भाई का परिवार भी याद आया ना? सच्चू सच्चू बोल, सच्चू बोल। चाची जी, एक यही हमारा परिवार है, हमारी रिमझिम दीदी, हमारे चाचा जी, धर्म भैया और हमारी खट्टी मीठी चाची जी। चल, तीसरा दिया ये है काली माँ के लिए। ये दिया जलाने से सारे दुश्मन शांत हो जाते हैं। खबर नो तो कह दू, इस बार मेरी सक्तुड़ी के सामने किसी का भी चेहरा नहीं आया, उसके कोई दुश्मन है ही नहीं, कैसे हो सकते? सक्तुड़ी है इतनी बिछड़ी।
दिवाली वाले दिन सच जीतेगा और झूठ हारेगा। हे काली माँ, आपके नाम का दिया जला रहे, हमें शक्ति देना कि इस दिए से हम उस अंधेरे को दूर कर सके जो अंधेरा मंदिर आंटी सबकी जिंदगी में लेकर आई है। चल अब ये चौथी बाती जलाएगी। ये चौथी बाती है लक्ष्मी माँ के लिए। ये जलाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। घर में हमेशा खुशहाली रहती है, कोई बीमारियां घर में नहीं आती, पूरा परिवार सुरक्षित रहता है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। हमारे घर में और कश्यप खानदान में खुशहाली तो अब तब आएगी जब मंदिरा आंटी का सच सबके सामने आएगा। ये सतुड़ी किस ख्याल में खो गई है? देख अब आज के बाद ना तुझे हमारे परिवार के साथ साथ कश्यप खानदान की खुशहाली के बारे में भी सोचना चाहिए। तेरी जिम्मेदारी है वो, क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्द तू कश्यप खानदान की बहू बनने वाली है। हमारे लिए ना हमारा ये परिवार ही काफी है। झिमझिम दीदी का आप उनसे ही चार बत्ती वाला दिया नहीं चलवाएंगी? उससे क्या दिया चलवाऊं, उसका तो दिल ही जल रहा है। मैंने हजार बार बोला है कि मैं कश्यप के घर रिमझिम के लिए कीर्तन का रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। उनको आना है तो आए, वरना उसके दिमाग में बात घुसती नहीं। बैठी है मुंह फुला के, जा जाके मना उसे। सब क्यों नाराज है, आप इन्हें कैसे मनाए? चाची आप क्या हुआ, इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? अब कुछ नहीं, आप बताइए कुछ काम था? मुझे कीर्तन ने सब कुछ बता दिया। सच? थैंक गॉड, अगर वो नहीं बताता ना तो मैं आके बताने ही वाला था आपको सब कुछ। पर मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकता है। प्यार मोहब्बत करना मुश्किल होता ही है, लेकिन उसकी बातें बताना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। I agree. पर इसमें छुपाने वाली बात क्या है? पंडित जी की बेटी है, इतनी सुशील है, इतनी अच्छी है, घर परिवार को साथ लेकर जाने वाली, इतनी इंटेलिजेंट। रिमझिम में इतने गुण है, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। वेरी गुड, अब तक शिव को ये लग रहा है कि मैं कीर्तन और रिमझिम की बात कर रही हूँ। जब बात घूमेगी तो मैं क्या दूंगी कि मैं तो शिव और शक्ति की बात कर रही थी। और शिव इतने अच्छे संस्कार दिए हैं मनोरमा जी ने उसे कि हमारे लिए ना सौभाग्य होगा कि वो हमारे घर की बहू बने, वो परफेक्ट है हमारे घर के लिए। हाँ चाची, रिश्ता लेकर जाएंगे ना, हम तो कल ही जाना चाहते हैं। पता है मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, बस अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, बस ये शादी जल्दी जल्दी हो जाए बस। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है अभी बताता हूँ। भगुमा शिव, ये आधी बुद्धि जाकर कहीं उस एक्साइटमेंट में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, मेरे पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हे भोलेनाथ, काश शिव मंदिरा की बात मान गया हो। भगुमा, पापा, चाचू, मुझे आप सबको कुछ बताना है। शिव बेटा, हाँ? मैंने ऑलरेडी सबको बता दिया है। अच्छा, आप सबको पता है? हाँ, हमको सब पता है। अरे बेटा, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। हमें अपने पोते की आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा है। अरे आपको नहीं, सबको दिख रहा है। और चाची तो कह रही थी कि वो कल ही पंडित जी के घर जाएगी। रिश्ता लेकर जा रहे ना वहां हम कल, है ना? वही बताया था मैंने।
तू पक्का खुश है ना इस रिश्ते से? पक्का खुश हूँ मतलब? मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ भगू माँ। आखिर मेरा अब बस बस कितनी बातें करोगे? इतनी खुशी का मौका है, इतने दिनों के बाद खुशी आई है, नाचना गाना तो बनता है। और देखना इस बार दिवाली पे मैं घर ऐसे सजाऊंगी कि पूरा वाराणसी देखता रहेगा। बस मैं म्यूजिक लगा के आती हूँ। ओके। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार, चक गए अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के, फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के, सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार, आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार। आज दिवाली है, सब लोग बाहर दिए जला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप यहाँ ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हुई है? जब जिंदगी में अंधेरा छाया हो ना, तो कितने भी दिए जला लो वो अंधेरा नहीं मिटाता। ती क्या हुआ, आप ऐसी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रही हैं? ती क्या हुआ, क्यों तो हमारे साथ ऐसा कर रही है शक्ति? हमने क्या किया थी? क्यों तो हमारे साथ नहीं दे रही है? क्यों तुम अभी से बात नहीं कर रही है? तेरे सामने कीर्तन ने कहा था ना कि वो हमसे कितना प्यार करता है, और कैसे पूछ चाहिए तुझे शक्ति? शक्ति, बचपन से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी किया है वो एक साथ किया है, हमें हमारी बहन के साथ की आदत है, और अगर वो हमें नहीं मिलता ना शक्ति, हम कहीं खो जाते हैं। दीदी नहीं शक्ति, हमें हमारी बात कहने दे। सच में तू हमारे साथ होती है ना शक्ति, तो हमें लगता है कि हमें जो चाहिए ना वो हमें मिल जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो शक्ति, हम उसमें से बाहर निकल जाएंगे। रंजन का इश्यू चल रहा था तो हमें पूरा यकीन था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी शक्ति हमें उस प्रॉब्लम में से जरूर बाहर निकालेगी, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हम जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार जाएंगे। हमने जो सबसे बड़ा सपना देखा था वो टूट जाएगा, हम जिसे प्यार करते वो हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारी बहन हमारे साथ नहीं है।
सकती। तू प्लीज मम्मी से बात करना। तू कहेगी ना तो वो मान जाएंगे। प्लीज शक्ति, तुझे पता है ना कि हम कीर्तन से कितना प्यार करते हैं। तूने देखा है ना हमें उसके लिए रोते हुए, उसके फोन का इंतजार करते हुए, और जब सब कुछ वैसे हो रहा है जिसे हमें चाहिए था, वो कह रहा है कि वो भी हमसे प्यार करता है, तो तू हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रही है शक्ति? बता ना, क्यों शक्ति क्यों नहीं हमारी हेल्प कर रही है? क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता है। मानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर प्लीज मुझे माफ कर देना। आज मैं तुम्हें एक बात फेस टू फेस कहना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रिमझिम। आई लव यू। ये क्या कह रही है तू शक्ति? तुझे पता है ना उसी ने हमें हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या कहें। कीर्तन आपसे प्यार नहीं करता है। ये सब उसकी चाल है दी। वो सिर्फ हमसे, हमारे परिवार से आपसे बदला लेना चाहता है। हम जानते हैं ये सुन के आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन दीप यही सच है। सच में मुझे कल का इंतजार ही नहीं हो पा रहा है। बड़े सालों बाद इस घर में सच में दिवाली आने वाली। वो तो है, क्योंकि इस बार तो दिवाली पे डबल सेलिब्रेशन है। अरे इस घर को इसकी बहू मिल रही है। अच्छा शिव सुनो, जाकर अभी सो जाओ और दवाई मत भूलना। डन चाची। कांग्रेचुलेशन, सच में मैं बहुत खुश हूं। शिव ने कीर्तन को कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों दिए? नहीं माँ, शिव ने सिर्फ कीर्तन को कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं दिया है, हम सबको दिया है। और वैसे भी शिव की शादी तो हम सबको बधाई देने वाली बात ही है। सिर्फ शिव की पत्नी थोड़ी आने वाली है, आपकी बहू, मेरी बहू, हम सबकी बहू आने वाली है। कीर्तन की भाभी आने वाली है, तो हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें पता था कि शिव मान जाएगा। माँ, मैंने शिव को पिछले 6 सालों में कभी इतना खुश नहीं देखा। बिल्कुल भैया सही बोल रहे हैं। रघुनाथ, 6 साल पहले हुए उस मनहूस हादसे के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। अब से आगे की बात करेंगे। अम्मा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सबको कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब खुद की ही शादी में कौन इतना खुश होता है? वही जो बहुत सालों से अकेला रहा है। हाँ, पर छोटी भाभी। माँ दीदी प्लीज, अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना, उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी कह लेती हूँ। आई एम सॉरी, पर आप प्लीज प्लीज मेरे शिव के खुशियों पर नजर मत लगाइए ना। उसके रंग को भंग क्यों करना चाह रही है आप? आप जानती हैं ना कि शिव कैसा है, बच्चे जैसा है वो। कोई तोल मोल करके वो खुश होना नहीं जानता। उसके दिल में जो होता है वही उसके चेहरे पे भी होता है। उसे तो दुनियादारी का कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल भोला है वो, भोला भंडारी।
आप भी ना बदमा दीदी सच में। मॉम का तो फुल ओवर एक्टिंग मोड स्टार्ट हो गया। अब देखना कोई ना कोई बहुत जल्द ओवर एंड आउट होने वाला है। कुछ ज्यादा ही शिव स्तुति गा रही हैं। मतलब इनका मेंटली टर्न ऑफ ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस बार दिवाली में खुशियां तो आएगी पर सिर्फ मेरी जिंदगी में, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।